अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें एंड टैप द बेल आइकन ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हेलो व्यूवर्स, आज हम आपको लेके आए हैं एक मिस्टीरियस पैलेस में। ये जो आप देख रहे हो ये सारा क्रेशर जोन है, जहाँ पर मशीनों के द्वारा पत्थर को तोड़कर रोड़ी और बजरपुर बनाया जाता है। लेकिन उसी के बीच एक ऐसा मिस्टीरियस पैलेस है जो आपको अचंभित कर देगा। हाँ, ये आपको दिखाते हैं। ये मैं उस पहाड़ के पास में खड़ा हुआ हूँ और ये जो मेरे बैकग्राउंड में आप देख रहे हो वहाँ तक के सारे पहाड़ तोड़ दिए गए हैं। लेकिन ये जो आप शिला मेरे बैकग्राउंड में अभी देख रहे हो ये बिल्कुल बीच में है और इसको अभी बुलडोजर मशीन वगैरह जो भी इक्विपमेंट यूज़ होते हैं उन सब के द्वारा इसको तोड़ने की कोशिश करी गई, लेकिन फिर भी सफलता हासिल नहीं हुई। इतना बड़ा पहाड़ है और ये इसके ये बीच में बचा हुआ है। इसके आसपास के जितने भी पहाड़ थे वो काटकर प्रेशर जोन में ले जाए जा चुके हैं। धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से यहाँ पे एक मंदिर बना दिया गया है। ये जो पर्वत श्रृंखला है ये नौरंगपुर गांव में पड़ती है और वहीं के लोग इसको बखूबी जानते हैं। तो हम यहाँ के रहने वाले परमानेंट निवासी से आपकी एक छोटी सी चर्चा करवाना चाहते हैं, ठीक है? तो मिलते हैं आपको। तो अभी हम बात करने वाले हैं प्रमोद जी से, जो जैसे एक टीचर हैं और यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। तो इनसे हम पूछेंगे कि इस पहाड़ का जो नाम है दांत वाला पहाड़ है, तो इसका क्या इतिहास रहा है और क्या क्या कारनामे हुए जिससे इस पहाड़ के प्रति यहाँ के स्थानीय लोगों की आस्था जागृत हुई है और यहाँ पे एक मंदिर का निर्माण किया गया है। देखिए जी, यहाँ का जो ये आसपास का पूरा इलाका है ये अरावली का इलाका है, ठीक है? मेरी उम्र वैसे ज़्यादा नहीं हुई लेकिन मैंने जब से देखा था यहाँ तीन इस तरह की शिलाएँ थी, लेकिन जो शिलाएँ थी उनका बीच का जो माइनिंग की जो डॉक्यूमेंट जो इक्विपमेंट थी उन सब से उसको कट कर दिया गया, यहाँ से पत्थरों को उठा लिया गया। लेकिन यहाँ ये जो तीन पीस बता रहे तीन जो टुकड़े हम बता रहे हैं वो बिल्कुल नहीं कट गए, लेकिन उनमें से भी धीरे धीरे करके दो पीस जो है या फिर दो जो शिलाएँ वो बिल्कुल कट गई, ठीक है? उसके बाद फिर लास्ट बची जिस सब चीज़ें सुरंग वगैरह की वो चीज़ें यूज़ करी जाती हैं, यानी कि पूरी पावरफुल जो चीज़ें वो यूज़ कर ली थी उन्होंने, लेकिन फिर भी वो इसको उठ पाए। तो फिर यहाँ जो आसपास लोग रहते हैं वो भी और उन्होंने भी सोचा कि शायद यहाँ कोई देवी शक्ति है, ठीक है? तो धार्मिक भावनाओं के अकॉर्डिंग फिर इसको यहाँ छोड़ दिया गया और धीरे धीरे इसकी पूजा होने लगी। यहाँ छोटा सा एक मंदिर स्थापित कर दिया है और आसपास का इलाका आप देखिए कितना कदम लगता है, शांत बिल्कुल इलाका है और सिर्फ यहाँ आपको आवाज़ सुनाई देगी पक्षियों की और कुछ भी नहीं। और मैंने सुना है यहाँ पे जो ट्रैक्टर या फिर कोई मशीन जो भी इसको तोड़ने के यूज में आई वो खराब ही हो गई, बिल्कुल वो, हाँ, ये बिल्कुल, काम ही नहीं किया उसने। बिल्कुल सच बात है ये, और ठीक है, जितने भी यहाँ ये जो मटेरियल यूज हुए थे चाहे ट्रैक्टर हो चाहे जेसीबी हो चाहे और भी बड़ी बड़ी मशीनें लाई गई थी, जो यहाँ एक बार यूज हो गई ना उसके बाद वो दोबारा यूजफुल रही नहीं। देखिए, इनके द्वारा दी गई जानकारी मेरे हिसाब से तो बहुत ही सटीक, और मैंने इनसे पहले भी कई लोगों से सुना है यहाँ के इतिहास के बारे में और मुझे यहाँ पे आके बहुत ही ज़्यादा शांति का अनुभव होता है। और मोर यहाँ पे न जाने कितने हैं, वहाँ पे अभी मैं आपको दिखाता हूँ मोर का थोड़ा सा, मोर है, काला तीतर है, बहुत सारे पक्षी हैं। मैं आपको यहाँ से मोर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो थोड़ी दूर है जिससे क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं आ रही है। अगर आपको सही से नहीं दिख रहा है तो ये देखिए, ये है मोर जो अपने पूरे पंख फैलाए हुए है, हालांकि इतने क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन फिर भी आपको एक थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा यहाँ पे पशु पक्षी वगैरह कितना अच्छा वातावरण है। और इस दिव्य शिला के दर्शन में आपको एक बार और करा देता हूँ। देखिए आगे से कराने ये इसका पीछे का व्यू है, अभी मैं इसको आपको सामने से दिखाता हूँ। यहाँ पे ये शिवलिंग स्थापित किया गया है और ये वो है पूरी चट्टान जो कि काफ़ी ऊंची है।
ये है ऊपर का नज़ारा। ये है दांत वाले मंदिर का ऊपर का ऊपर से व्यू, और यहाँ से आप ये समझ सकते हैं कि इस इलाके चारों तरफ से कितने पहाड़ों को काटकर क्रेशर जोन में भेज दिया गया है, लेकिन ये अभी भी अविचल खड़ा हुआ है। अभी हम पहुंच गए हैं आश्रम में, और आश्रम के तालाब के पास में बैठा हुआ हूँ, और यहाँ पे उस साइड कमल के फूल भी खिले हुए हैं जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। बड़ा ही सुंदर नज़ारा है। आश्रम का सबसे पुराना मंदिर जो आप देख सकते हो कितने टाइम पहले बनाया गया था। ये इसको बनवाया जब गया था 1977 में बनवाया गया था। अभी इसमें मूर्ति स्थापना होने वाली है। गाइज, आज की वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके जरूर, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन सीरियस पैलेस को देख सकें। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।